हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने टीडीएस का रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया है, बट फाइल करने के बाद आपको पता चला कि कोई एक ऐसा चालान है जो ओवरबुक हो गया है। मतलब उसमें बैलेंस नहीं था, बट आपने डिडक्टी का डिटेल उसमें डाल दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिकली आपको उस डिडक्टी का डिटेल बेसिकली एक चालान से दूसरे चालान में मूव करना है। तो आप ऑनलाइन करेक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको टीडीएस सीपीसी के वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद आपको बेसिकली लॉगिन कर लेना है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका यूजर आईडी रहेगा, यूजर आईडी पासवर्ड, यहाँ पे टैन नंबर डाल देना है डिडक्टर का। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद बेसिकली आप ये पेज पे लैंड हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, डिफॉल्ट वाले सेक्शन में जाना है, जो डिफॉल्ट वाला सेक्शन है। डिफॉल्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कौन से क्वार्टर का बेसिकली आप करेक्शन करना चाहते हैं। तो उसमें फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, फॉर्म टाइप चूज करना है। करेक्शन टाइप में बेसिकली आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। टोकन नंबर का ऑप्शन बेसिकली आपको नहीं आएगा, बट बाई चांस आता है तो आपको लेटेस्ट टोकन नंबर डाल देना है। बट चांस है कि आपको टोकन नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको सीधा सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे रिक्वेस्ट नंबर दिख जाते हैं। बेसिकली व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे रिक्वेस्ट जो आपने डाले हैं वो दिख जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल करके दिखेगा। ठीक है, अगर आपने अवेलेबल पे क्लिक करके कुछ उसमें चेंजेस किया है तो इन प्रोग्रेस पे दिखेगा, नहीं तो अवेलेबल दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो केवाईसी के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला डीएससी के थ्रू केवाईसी कर सकते हैं, दूसरा नॉर्मल केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आपका जो भी सिस्टम है, पीसी या फिर लैपटॉप, उसमें बेसिकली आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है। अटैच करने के बाद बेसिकली वैलिड डीएससी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन चांसेस है कि नहीं पूछेगा, बट अगर पूछता है तो फाइनेंशियल ईयर, फॉर्म टाइप और क्वार्टर आपको सेलेक्ट कर लेना है। बट चांस है कि नहीं पूछेगा, आपको सीधा वैलिड डीएससी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी डीएससी दिख जाती है, साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बेसिकली आपने केवाईसी कर दिया है। बट अगर आप नॉर्मल केवाईसी करना चाहते हैं तो नॉर्मल केवाईसी पे भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ डिटेल्स दिया रहेगा, जैसे फॉर्म टाइप, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर। ठीक है, इस जो ये जो डिटेल दिया है उसका बेसिकली आपको ओरिजिनल टोकन नंबर डालना है। मतलब जब आपने फाइल किया था तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आया रहेगा, टोकन नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद उस डिटेल में बेसिकली जो आपका चालान यूज किया था आपने उस रिटर्न में, वो चालान नंबर बेसिकली यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उस चालान में जो डिडक्टीज थे, डिडक्टी का डिटेल बेसिकली तीन डालने रहते हैं, तीन, पैन नंबर और उनका अमाउंट यहाँ पे डालना होता है। बट बाई चांस तीन नहीं, दो ही है तो आप दो ही डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक है तो एक ही डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस कोई डिडक्टी है ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ चालान ही डाल दिया था रिटर्न में, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं कि कोई भी डिडक्टी नहीं था एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका बेसिकली ऑथेंटिकेशन कोड रेडी हो जाता है, बट इसकी ज़रूरत मोस्ट मेजर टाइम पे नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, सीधा प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बेसिकली आप करेक्शन के लिए रेडी हो गए हैं। टाइप ऑफ करेक्शन में आपको चालान करेक्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करके व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, मैच चालान, अनमैच चालान, न्यूली एडेड चालान। तो आप अगर मैच चालान या फिर अनमैच चालान में भी करना चाहते हैं तो भी प्रोसेस सेम ही है, तो मैं मैच चालान का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैच चालान पे क्लिक करना है, जितने भी चालान से यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जिस चालान में से आपको ट्रांसफर करना है डिडक्टी को, वो चालान आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद व्यू एंड मूव डिडक्टी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उस चालान में जितने भी डिडक्टी रहेंगे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सी डिडक्टी को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, वो डिडक्टी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मूव डिडक्टी उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चालान दिख जाएंगे, जो चालान बेसिकली अवेलेबल बैलेंस रहेगा जिनमें। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस भी आपको दिख जाता है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कौन से चालान में आप मूव करना चाहते हैं, उस चालान पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव वाला ऑप्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जिस चालान में आपने ये हरकत की है वो चालान भी बेसिकली यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा। एंड इसके बाद बेसिकली जिस डिडक्टी को आपने मूव किया है वो डिडक्टी यहाँ पे रेड मार्क में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबमिट करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। मतलब सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट का ऑप्शन रहता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाता है, कन्फर्म कर दीजिए आप। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर बेसिकली लिख के आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। ये आपको बता देगा कि क्या क्या करेक्शन आप कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट ये डेमो
है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आपने जो करेक्शन किया सिर्फ वही डिटेल यहाँ पे आएगा, ठीक है। सबमिट फॉर प्रोसेसिंग पे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे डीएससी का ऑप्शन आएगा, आपने डीएससी ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, डीएससी अपना सेलेक्ट कीजिए, साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद आपका बेसिकली जो करेक्शन स्टेटमेंट है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि आप अपने किसी भी डिडक्टी को एक चालान से दूसरे चालान में कैसे मूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है बेसिकली। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड टीडीएस से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको बेसिकली मेरे चैनल पे आना है और यहां पे प्लेलिस्ट में आपको जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट यहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बनाए हुए हैं, आपके यूजफुल ही हैं, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन करेक्शन वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा। व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे ना तो कौन कौन से वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर चालान आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। सैलरी के डिटेल को अगर आपको चेंज करना है या फिर नया सैलरी डिटेल्स ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। चालान और पैन का करेक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।